उस वक्त मैं ऑटो से जा रहा था। एक खूबसूरत सी लड़की, लेकिन वो लंगड़ा रही थी, उसे चलने में दिक्कत हो रहा था, ऑटो में आकर बैठी। उसकी मदद के लिए मैं उसे घर तक पहुंचा गया। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी है काफ़ी खास और ये आपको काफ़ी इंटरटेन करेगी। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कहानी। आपको अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी आए तो वीडियो को ईयरफोन या हेडफोन के उपयोग से सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी संदीप की है। संदीप कहता है, मैं फतेहबाद हरियाणा से हूँ। मैं 26 साल का हूँ और मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है और मेरा शरीर लगभग ठीक है। ये तो मेरा परिचय है। अब मैं आपको इस स्टोरी की नायिका से मिलाती हूँ। इस कहानी का नायिका नाम कपिल का है। कपिला एक काल्पनिक नाम है, असली नाम मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। कपिला हिसार की यूनिवर्सिटी में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। ये घटना नवंबर 2018 की है। उस वक्त को वो 19 साल की थी। वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। एक दिन मैं हिसार बस स्टैंड से बैंक जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रहा था। 2 मिनट बाद ऑटो आ गया। मैं बैठा तो मेरे बैठते ही मेरे पीछे लड़की लंगड़ाते हुए आई और ऑटो में आकर बैठ गई। उसके हाथ में 2 बैग थे। उसके बॉडी से परफ्यूम की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने उस पर ध्यान दिया। ऑटो वाले ने, हम दोनों की सवारी थी इसलिए ऑटो वाला भी वहीं खड़ा था। कुछ देर बाद 2-3 सवारी और आ गई और ऑटो अब पूरा भर गया। अब जगह कम होने के कारण सब अच्छे से बैठ नहीं पा रहे थे। उसके चेहरे मेरे पास थे और मैं समझ नहीं रहा था कि उसे आखिर हुआ क्या है। मैं उसे बात करना चाह रहा था मगर पब्लिक थी और अगर मैं कुछ कहूँ और वो गुस्सा जाए, उसकी खुद सहमति ना हो तो ऑटो चल पड़ी। लेकिन उसका चेहरे में सिकन अभी भी दूर नहीं हुई थी। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में तकलीफ हो। कुछ देर मैंने इंतज़ार किया और फिर उससे पूछ लिया। मैं बोला, सुनिए अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप एक बैग मुझे दे दो, शायद आपको परेशानी हो रही है। वो मुस्कुराई और बोली, जी शुक्रिया, बस थोड़ी दूर तक पकड़ लीजिए, मैं मेरा स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं है। उसने बैग मेरे हाथ थाम दिया और वहीं से उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। उसके बाद बस स्टैंड आ गया और वो उतरने लगी। वो पैरों से अभी भी लंगड़ा रही थी। मैंने कहा, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं आपका सामान आपके रूम तक ही पहुँचा देता हूँ। वो बोली, तकलीफ तो हो ही रही है लेकिन मेरी वजह से आप परेशान नहीं करना चाहती। मैं किसी तरह चल जाऊँगी, मेरी मदद के चक्कर में आप ड्यूटी से लेट हो जाओगे। मैंने कहा, आप ड्यूटी के बारे में ना सोचिए, वैसे भी आज तो मेरा काम लंच टाइम के बाद ही है। मैं अपने रूम में बोर हो रहा था इसलिए सुबह ही निकल गया। मैं आपको सामान पहुंचा कर ड्यूटी में निकल जाऊंगा। उसके सामने मैंने झूठा बहाना बना दिया। उसने भी हाँ कर दी और ऑटो से उतर गई। हम दोनों बैग मैंने ले लिया। अब वो आगे आगे चलने लगी, मैं उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलने पर उसका रूम आ गया। अपने किट से उसने चाबी निकाली और ताला खोला। मैंने बैग नीचे रख दिया। बैग रख कर मैंने कहा, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। इससे पहले मैं पलटता वो बोलती, ऐसे कैसे जा रहे हो, आप मेरी इतनी मदद किए, कम से कम एक कप चाय पी कर जाओ, वरना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वो जिद करने लगी तो मैं भी मान गया। हम दोनों अंदर चले गए। वो बोली, आप बैठो, मैं कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करता हूँ। मैं बोला, माफ़ कीजिए, मैं चाय वगैरह नहीं पीता, केवल दूध पीता हूँ। वो बोली, ठीक है तो मैं आपके लिए कुछ और ले आती हूँ। इतना बोलकर वो एक बैग उठाकर अलमारी के ऊपर रखने लगी। मगर उसके पैर में पहले से मोच थी और वजन उठाने के कारण उसके पैर में दर्द बढ़ गया। उसने ज़ोर से चीखा क्योंकि उसे दर्द हो गई थी, वो नीचे गिर गई। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे फर्श से उठाया और बैग उसके ऊपर था। मैंने बैग हटाया, उसको उठाने में मदद की। उसके पैर में दर्द इतना बढ़ गया कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था।
आखिर मैंने उसे बेड पर लिटाया और रोने लगी। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं बोला, कपिला आप 2 मिनट यहीं लेटो, मैं आपको ऑटो को लेकर आता हूँ, हम हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो बोली, नहीं आप प्लीज़ बैग से दर्द वाली क्रीम निकाल कर लगा दो, उसकी मालिश से ठीक हो जाएगा। उसके कहने पर मैंने बैग से क्रीम निकाला और पास बेड पर वापस रख दिया। मैं बोला, दर्द कहाँ है? उसने अपने घुटनों पर इशारा किया और फिर मैंने उसके मालिश किया। वो बोली कि मुझे माफ़ कीजिएगा। उसकी बातों से मैं थोड़ा हैरान था, मगर मैं कैसे कर सकता था, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। वो बोली कि मुझे बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, ये वक्त ज़्यादा सोचने का नहीं है। ये कहकर कपिला ने कहा तो मैंने उसके पैर में जहाँ नीचे मोच आई थी घुटनों पे और उसके पैर की उंगली पे, वहाँ पे महलम लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो राहत हुई से शायद थोड़ी, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था। उसने मुझे कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरे वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ और आपने मेरी इतनी मदद की। मैंने कहा, कोई नहीं, इंसान ही इंसान का मदद करता है ना। फिर उसके पैर में थोड़ी राहत हुई तो मैंने कहा, मुझे चलना चाहिए क्योंकि बैंक में भी मुझे जाना है। तो उसने कहा, ठीक है। जाने से पहले मैंने उसका नंबर एक्सचेंज कर लिया। फिर हर रविवार मैं उससे मिलता, उसके साथ समय स्पेंड करता, कभी कभी उसके घर भी चला जाता। वो वहाँ अकेले रहती थी पढ़ाई के सिलसिले में, उसके मम्मी पापा जॉब करते थे, उनका ये खुद का घर था तो ये घर पर अकेले रहती, मुझे उसके घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। 6 महीने तक हमारा रिश्ता ऐसे ही चला, मैं हर रविवार उसके घर जाता। मगर एक बार मैंने एक दिन उसके रूम से किसी और लड़के को निकलते हुए देख लिया। बाद में मैंने खोजबीन किया तो पता चला उस लड़के का भी उससे अफेयर था। इस बात पर मेरी और कपिला की लड़ाई हो गई क्योंकि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी और साथ ही किसी और के साथ भी उसका अफेयर था। इस वजह से मैंने कपिला से दूरी बना ली। लेकिन कुछ दिन बाद अपिला ने मुझे फ़ोन किया। मैं बहुत देर तक फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा था तो उसने मुझे मैसेज किया। वो माँ बनने वाली थी। मुझे लगा आप शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो मैं उसके साथ डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर उसके लिए सब कुछ सही कर दिया। लेकिन दोस्तों एक बात तो है कि उसके बाद मैं कपिला के पास नहीं गया। मैं कपिला से प्यार करता था और बहुत प्यार करता था, लेकिन क्योंकि वो मेरे साथ धोखा की इसलिए मैं उसके दूरी बना दी। दोस्तों ये कहानी मेरी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन अक्सर दो अनजाने मिल जाते हैं और एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जैसे संदीप के साथ हुआ। लेकिन अक्सर फिर ऐसा ही कुछ होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं, कोई किसी को धोखा दे देता है तो कोई कुछ। यार अगर प्यार करते हो तो कभी धोखा मत दो। प्यार एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है, ऐसे ही अलग मत हो और प्यार को बदनाम कर मत करो। प्यार बहुत ही खूबसूरत एहसास है, किसी को धोखा मत दो, बस प्यार करो। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।